Good morning, students. Let's start our math online classes for class 3rd. And yesterday we do exercise 10.3.4 and question 1st to 4. And our next question is 5th. A fisherman caught 1236, 2700 and 1804 fish in 3 successive days. Find the total number of fish caught by him in 3 days. Means एक मछली पकड़ने वाला है जो 3 दिन में इतनी मछलियाँ पकड़ता है और अब हमें उसकी टोटल फिश निकालनी है कितनी है. टोटल तो मीन्स हमें क्या करना है, प्लस. ओके, लेट्स स्टार्ट. आवर स्टेटमेंट इज ए फिशरमैन कोट फिश इन फर्स्ट डे इज गिवन, कोट फिश इन सेकेंड डे गिवन, कोट फिश इन थर्ड डे गिवन. नाउ टोटल नंबर ऑफ फिश सो वी एड. ओके, लेट्स स्टार्ट. 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 3 में 0 0 प्लस करेंगे तो नंबर एज इट इज 3, 1 कैरी तो 4, 2 प्लस 7 9, 9 में 8 प्लस करेंगे 17, 17 का 7 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 1 4 एंड 1 कैरी 5. सो टोटल नंबर ऑफ फिश क्या होगी, 5740. ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 6. रीता हैड रुपीज़ 3745 इन हर बैंक अकाउंट. रीता के बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़ हैं. हर मदर डिपॉजिटेड रुपीज़ 5250 मोर. उसकी मदर ने इतने रुपए और जमा करा दिए. हाउ मच डिड सी हैव इन हर बैंक अकाउंट नाउ. अब उसके बैंक में कितने रुपए हैं. सपोज उसके पास इतने रुपए थे, इतने बैंक में और आ गए. और आ गए तो मतलब ऐड होगा, प्लस उसमें बढ़े हैं. बढ़े हैं तो मतलब हमें दोनों को क्या करना है, टोटल. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड आवर स्टेटमेंट इज रीता हैड इन हर बैंक अकाउंट 3745 रुपीज़. हर मदर डिपॉजिटेड 5250 रुपीज़. टोटल मनी इन हर अकाउंट. अब उसके बैंक में टोटल क्या होगा, 5 प्लस 0 5 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 5 8. अब उसकी बैंक अकाउंट में टोटल मनी है 8995. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन इजीली डू योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. ओके, थैंक यू.